नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। डर सबको लगता है, लेकिन जनता जब अपना हक मांगते हुए डरने लगे तो डर चुने हुए नुमाइंदों को लगना चाहिए। मुंबई के उस पुल को गिरा दिया गया जिसके एक हिस्से के गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, उनकी जान चली गई। और इस पुल के गिरे हुए मलबे से उठा हुआ ये सवाल पूरे देश का सवाल बन गया है कि जनता की जान इतनी सस्ती क्यों होती है। कभी फ्लाईओवर से दबकर मौत, कभी गटर में गिरकर और कभी सड़क पर दबकर। गरीब आदमी जो चलता है, रोड पे रहता है, उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपना फायदा देखा है, जनता के लिए कुछ भी नहीं देखा है। सबको कुर्सी की पड़ी है, किसी को भी समस्याओं का भी समाधान के लिए आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये भारत की स्वप्न नगरी का तो स्वप्न है, पहले वो सपने टूटते हैं, फिर बिखरते हैं और इसके बाद मर जाते हैं। लेकिन देश के बेरहम नियंता जब रियाया को सांसों तक के लिए तड़पा दे तो पूछना बनता है कि देश के लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों। ये देश कैसा है, ये देश किसका है, ये सरकार किसकी है, ये हवेलियां किसकी हैं, ये हाकिम किसके हैं, ये हुक्म किसका है। इस मलबे को मुंबई कहते हैं आप, सपनों का शहर। बताइए सरकार, ये किसके सपने, किसकी स्वप्न नगरी के घर से निकले दफ्तर तो रेल से गिरकर मर गए, दफ्तर से निकले घर को तो फ्लाईओवर से कुचलकर मर गए, बाजार को निकले तो गड्ढे में गिरकर मर गए और बारिश हुई तो गटर में गिरकर मर गए। अभी जो पेशेंट्स है उनसे मैं मिला। एहसान है हुजूर आपका जो आप अपनी बनाई हुई हत्यारी बस्ती में झांकने आए। करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में है। किन ये सरकार, कितने मरे, कितने घायल, कितनों के पैर कटे, कितनों के हाथ, मुआवजा बांटने की बात ही कुछ और होती। एक पेशेंट आईसीयू में है लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है। आपके कृपा से नहीं बचे हैं सरकार, आपके इंतजाम ने तो मार ही डाला था। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीजों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। वाह, सवाल भी अपने, जवाब भी अपना, जिरा भी अपनी, फैसला भी अपना। अकोला में बीजेपी और शिवसेना दोनों गले मिलकर एकता की कसमें खा रही हैं और मुख्यमंत्री जांच की बात करते हैं, कौन यकीन करेगा। इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी। तो एहसान माने मुंबई वाले जो अपनी हुकूमत की कारस्तानियों की जांच करा रहे हैं। मार डाला एक पल में और पता लगाने में एक महीना लगेगा कि कौन था सरकारी तनख्वाह पर पलने वाला वो यमदूत। क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। तो सजा भी होगी सरकार, लेकिन किसको देंगे सजा। बीएमसी में आपका राज, महाराष्ट्र में आपका राज, भारत में आपका राज। आज बता ही दीजिए सरकार कि मुंबई के लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है। पल पल के लिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग अनसेफ है। जब भी मरता है गरीब मरता है, हमारे भाई बंधु मर रहे हैं सब जो है। कमला मिल की यह आग आपको याद है आका, 14 लोग मर गए थे जिंदा, क्योंकि फायर सेफ्टी के नाम पर मलाई काटने वाले आपके महकमों ने मुंबई के पबों, मॉलों, रेस्टोरेंट और बैठक खानों को जिंदा लोगों का मशान हो जाने की छूट दे दी। तो बताइए ना बीएमसी चलाने वाले बाबू, बताइए ना राज्य चलाने वाले बाबू, बताइए ना रेल चलाने वाले बाबू, रियासत चलाने वाले बाबू, ये कैसा जालिम दस्तूर है कि हस्ती खेलती जिंदगी दोजक बन जाती है तुम्हारी स्वप्न नगरी। घाटकोपर में बिल्डिंग गिरी तो 17 लोग मर गए, कमला मिल में आग लगी 14 लोग मर गए, एलिफेंटस्टन रोड का पुल गिरा 23 लोग मर गए, अंधेरी का गोखले ब्रिज गिरा 2 लोग मर गए, सीएसटी का पुल गिरा 6 लोग मर गए। पुराना छोड़िए, जो नया ब्रिज है वो भी ऐसे हिलता है कि मतलब कभी भी गिर सकता है। ये ब्रिज ऐसे है जैसे सैंडर्स रोड के देखिए, माटुंगा के देखिए, बाय ट्रेन निकलती है बाजू से और हिलना चालू हो जाता है। ये भागती हुई मुंबई, ये नाचती हुई मुंबई, ये गाती हुई मुंबई डरती क्यों है एक एक सांस के लिए। बता ही दीजिए सरकारे आला, आज मुल्क को बता ही दीजिए कि मुंबई के नाम पर किसने बांधे हैं मौत के मचान, मुंबई के नाम पर किसने खोली हादसों की दुकान, मुंबई के नाम पर कौन लूटता है हजारों के अरमान। सरकार का काम है ब्रिज का देखभाल करने के लिए और उनके इंजीनियर्स हैं, इसमें पब्लिक की क्या गलती है।
झूठ बोलते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है। सपनों का शहर नहीं, सपनों की मौत का शहर कही है सरकार। हर दिन औसतन इस शहर में 22 लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं। हर दिन औसतन 9 लोग ट्रेन से कटकर मर जाते हैं। हर साल 328 लोग गटर और नालों में गिरकर मर जाते हैं। आम आदमी के जिंदगी से मजाक के इंतहाई पर आबाद हुई मुंबई छीन लेती है सांस, छीन लेती है सपने, छीन लेती है पैरों तले की जमीन। काफी सारे ऐसे फुट ओवर ब्रिजेस पे मैं गया हूँ जो कभी भी गिर सकते हैं, और ये देखने के बाद तो अभी वापस आने पे डर लगता है। जिस मुंबई को आप शंघाई बनाने चले थे, उसके ज्यादातर इलाकों की पाइपलाइन 100 साल से ज्यादा पुरानी है। 4000 किलोमीटर की पाइपलाइन 70 साल से ज्यादा पुरानी है। मुंबई की ज्यादातर सीवर लाइनें 100 साल से ज्यादा पुरानी है। 12 साल से पाइपलाइन बदलने का अभियान चल रहा है और 170 किलोमीटर सालाना की रफ्तार है, मतलब 15 साल अभी और लगेंगे। अब उसको बेगैरत मर्डरर कॉरपोरेशन कहना चाहिए। इन तस्वीरों का मतलब समझते हैं सरकार, इसे जनता कहते हैं। लोकतंत्र की भाषा में नागरिक जो अपने खून पसीने में आग लगाकर आपको राजा होने का एहसास कराती है, लेकिन आप इसे भीड़ समझते हैं जिसकी सांसों को, सपनों को, सफर को, मकाम को, सुलगते हुए अरमान को कभी भी कुचला जा सके। क्यों सरकार, क्यों जनता की जान इतनी सस्ती क्यों होती है? आज तक ब्यूरो। ये तो जनता का डर है, लेकिन अब देखिए नेताओं का डर। मोदी के डर से मायावती अखिलेश एक हो गए, और दोनों के एक होने के डर से बीजेपी उन पर हमले कर रही है। लेकिन आज वो हुआ जिसे असंभव कहते थे। मायावती ने इशारा किया कि वो मुलायम सिंह के लिए मैनपुरी में वोट मांगेंगी। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद से ही दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता कि मायावती को श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। उसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम नहीं लेता हूँ, उनके बारे में कभी बोला नहीं। 33 साल पुराना ये इतिहास आज अपने सर के बल खड़ा है, वरना 1995 में क्या क्या नहीं हुआ था लखनऊ के उस गेस्ट हाउस में जिसने मुलायम और मायावती के चुनावी साथ को कट्टर दुश्मनी में बदल दिया था। अगर मायावती का दरवाजा खुल गया होता तो उस दिन मुलायम सिंह मायावती की हत्या कराने की साजिश रच चुके थे। महिला थी इसलिए हम कुछ कह नहीं सके। अगर महिला नहीं होती और कांचीराम खुद होते तो आप कुछ कहते? हाँ तो कहते। मायावती अपने कार्यकर्ताओं के बीच बदहवास चीख रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बाहर वो नारे लगाते रहे कि मायावती बाहर आओ, हम तुमको सबक सिखाते, तुम हमको, हम तुमको गोली का निशाना बनाते हैं। राजनीति की जरूरतों ने नफरत और हकारत के इन दृश्यों को पोंछ दिया है। अब वही मायावती मुलायम सिंह के लिए वोट मांगेंगी और खुशी खुशी मांगेंगी। बहुत जल्दी रैलियां भी होंगी, दोनों दल मिलकर के रैली कराएंगे, जगह और तारीख बहुत जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसी की बातचीत के लिए कल मैं मिला था। 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, 1993 में काशीराम ने बीएसपी बनाई, उसी साल चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, बाबरी ढांचे के विध्वंस पर बीजेपी यूपी में हवा पर सवार थी, जय श्री राम के नारे ने राजनीति की हर धारा को हाशिए पर धकेल दिया था, कांग्रेस नरसिम्हा राव के करे धरे पर सिर धुन रही थी, तो मुलायम सिंह और काशीराम ने हाथ मिला लिया। तो नारे का जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नारे से दिया कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए, जय श्री राम। साल भर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे लेकिन निभी नहीं, सरकार गिर गई। मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया था। उस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहते हैं राजनीति में हमेशा कुछ नहीं होता, सत्ता सब कुछ होती है। लोकसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया। आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही अखिलेश यादव और मायावती दोनों को अंदाजा हो गया था कि अब दूरियों को दफन करने का समय आ गया है। वो हमारी बुआ है। जब हमारी पार्टी को समझौते हुए गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलती हैं।
मुलायम ने एतराज भी किया था, बेटा के बुआ के पास जाने के खिलाफ थे, लेकिन अखिलेश ने पैर भी छुआ, आशीर्वाद भी लिया और तालमेल भी किया। लेकिन मायावती कभी मुलायम के लिए वोट मांगेंगी, यह असंभव के संभव की यात्रा है। कैसे जॉइंट रैली करनी है उसी पे बातचीत हुई थी और कुछ तारीखें लगभग तय हो गई हैं। मैं समझता हूँ नवरात्र जब शुरू होंगे तो दोनों गठबंधन की रैलियां भी शुरू हो जाएंगी। राजनीति की इस दुर्लभ घटना का सत्ता में रूपांतरण हो या नहीं, लेकिन बीजेपी को इसने परेशान बहुत कर दिया है। जैसे ही उनको संकट आवे, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, अपनी जेब में रखें, तुरंत मुझे फोन करें, क्योंकि उन पर संकट आना जरूर है। प्रियंका गांधी अचानक युवा दलित नेता चंद्रशेखर रावण से मिलने मेरठ पहुंची तो मायावती परेशान हो गई, तुरंत अखिलेश यादव को घर बुलाया, अखिलेश भी दौड़े दौड़े गए। ये भारत की राजनीति में बर्लिन की दीवार का गिर जाना है, लेकिन क्या जनता भी इसे स्वीकार करेगी? इस रिश्ते का लक्ष्य तो वही है। आज तक ब्यूरो। चुनाव से पहले सब एक दूसरे से डर रहे हैं कि पता नहीं सामने वाला कौन सा दांव खेल दे, लेकिन जब अपने से ही डरने लगे तो खेल बदल जाता है। जैसे बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का डर यह है कि अगर इस बार मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो 2024 में चुनाव नहीं होंगे। इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा, केवल यही चुनाव है और ये चुनाव देश के नाम पर लड़ा जा रहा है। राजनीति कमाल की चीज है, वो कभी खुद डरी हुई नजर आती है तो कभी डराती हुई दिखाई देती है। अब करतारपुर कॉरिडोर को ही ले लीजिए, पाकिस्तान के साथ ये सड़क जुड़नी है, लेकिन केंद्र सरकार तय नहीं कर पा रही कि उसकी पाकिस्तान नीति क्या हो। प्रधानमंत्री कहते हैं घुस कर मारेंगे और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर कहती हैं कि ये तो अमन का रास्ता है। अब करतारपुर जा पाएंगे इसका क्रेडिट किसको है, किसको है? करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की घोषणा के बाद से ही श्रेय लेने की होड़ लगी। सिद्धू कह रहे हैं हमारा कमाल है, अकाली कह रहे हैं हमारा कमाल है, बीजेपी कह रही है हमारा कमाल। लेकिन इसकी पहली बैठक के बाद सवाल ये उठ गया कि सरकार का सच क्या है, युद्ध या शांति? ये अमन शांति का ये जो कॉरिडोर बनेगा, इससे इन दोनों देशों में आने वाले समय में भी, मैं समझती हूँ, गुरु नानक देव जी कुछ कृपा करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमें मुलायम न समझा जाए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और घर में घुस कर मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। दूसरी तरफ वही सरकार कह रही है कि करतारपुर कॉरिडोर से शांति का रास्ता खुलेगा, आना जाना शुरू होगा तो बातचीत शुरू होगी और बातचीत शुरू होगी तो बात बनेगी। जहां सिखों की आस्था 70 साल की अरदास पूरी होगी, वो आने वाले समय में एक अमन और शांति का संकेत जरूर लेके आए। लेकिन दोनों एक साथ कैसे चलेगा कि एक तरफ तो सरकार पाकिस्तान पर आक्रमण करेगी और दूसरी तरफ आरती उतारेगी? आखिर क्यों पंजाब में एक बार भी केंद्रीय मंत्री ने हमले की बात नहीं की, पाकिस्तान के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार उसे चेतावनी दे रहे? चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। तो क्या चुनाव की मजबूरी ने भारत की पाकिस्तान नीति को दो हिस्सों में बांट दिया है? एक तरफ शांति है तो दूसरी तरफ जंग, एक तरफ करतारपुर का रास्ता खोलने की बात है तो दूसरी तरफ बाजार का रास्ता बंद करने की नीति। बात करतारपुर की हो, बालाकोट की या पुलवामा की, जनता का सवाल एक है, हमें जाना किधर है। और सरकार बताने को राजी नहीं है, लेकिन दोनों देशों में बिगाड़ की इन सूरतों के बीच भी करतारपुर के रास्ते को खोलने की कोशिश हो रही है, यही क्या कम है? आज तक ये तो देखा आपने, वक्त और सहूलियत के हिसाब से डर बदल जाता है, लेकिन डर तो सबको लगता है। इसी के साथ दस्तक में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।